आग लग चुका हुआ है, मैं भागूंगा। एक्सपेरिमेंट में हम लोग करने वाले भाई साहब आलू बम का एक्सपेरिमेंट करने वाला है कि इसमें कितना पावर होता है, दो ईंटों को ये फोड़ पाता है कि नहीं फोड़ पाता है। आज की वीडियो में हम लोग यही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करें। बस ये रहा हम लोग के पास दो ईंटा, और इस दो ईंटा से अभी एक्सपेरिमेंट करके आप लोग को चेक कराएंगे। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से रखा जाता है, ये देखो अब इस तरीके से रहेगा। नीचे ये है आलू बम फिट होगा, और ये सब हम लोग एकदम सावधानी से कर रहे हैं। ये सब चीज़ आप लोग घर पे करने की बिल्कुल भी ट्राई मत कर रहा। हम लोग बहुत ही सुनसान जगह पे और बहुत ही केयरफुल होके इसे कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने छील भी दिया है, अब इसको अंदर रखता हूँ। अभी मैं अपने बॉम्ब में आग लगाने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पर जो है पूरा सेटअप मैंने कर दिया किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। और फटाफट से यहाँ पर आग लगाते हैं और देखते हैं कैसा इसका जो है इस ईंटे को फोड़ पाता है कि नहीं, ठीक है। आज का एक्सपेरिमेंट इसी पर है, तो चलिए इसको आग लगाते हैं। तो गाइस ये माचिस में मैंने आग लगा दिया और आग लग चुका हुआ है, मैं भागूंगा। वहाँ पर जो है लगा दिया है मैंने। तो गाइस ये देख सकते हो कितना खतरनाक रिएक्शन हुआ यहाँ पे, देख सकते हो। तो ये हम लोगों ने किया, आप लोग ये घर पे ट्राई करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ईटा का क्या रिएक्शन हुआ चलो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ईटा पे रिएक्शन था, मतलब था। ये देखो भाई साहब क्या हालत है। ये देखो ईटा जो है कुछ भी नहीं हुआ, ईटा को यहाँ पर गड्ढा सा हो चुका हुआ है, बट ईटा को कुछ भी नहीं हुआ है। बस यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा टाइप का हो चुका हुआ है, बस ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो आई होप कि आज का जो एक्सपेरिमेंट है आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, आप लोग ये घर पर ट्राई करने का बिल्कुल भी कोशिश मत करना, ये बहुत ही डेंजरस और बहुत ही ख़तरनाक है।